हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज इस पर्टिकुलर मिनी शॉर्ट सीरीज के अंदर हम जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हम ये चैप्टर सारा का सारा एक चार्ट की फॉर्म में करेंगे, सारा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो सारा का सारा चैप्टर हम चार्ट की फॉर्म में करेंगे, जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। एंड आई अश्योर यू, ये अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखी तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना छोटा सा सेशन शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमने कहां कहां इसकी एप्लीकेशन देखनी है, हाउस होल्ड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, बायोगैस, बायो कंट्रोल एंड एज ए बायो फर्टिलाइजर, हम सारी की सारी एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं माइक्रोब्स की, कहां पर, हाउस होल्ड के अंदर। तो हाउस होल्ड के अंदर हमने कहाँ कहाँ माइक्रोब्स की एप्लीकेशन देखनी है, कर्ड, ब्रेड, इडली, डोसा, टोडी एंड चीज, ठीक है। आपने यहाँ पर देखना है कि कौन से माइक्रोब का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कर्ड की, तो मिल्क है जो कर्ड के अंदर जो कन्वर्ट होगा वो कहाँ, किसकी मदद से होगा, लैक्टोबेसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से मिल्क किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड के अंदर। और ये जो कर्ड है वाइटामिन B12 रिच होती है, ठीक है। और दूसरी बात, जो लैक्टोबेसिलस है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जितने भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ को भी ये रोकता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन ये होगी। जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है ब्रेड। ब्रेड के अंदर जब भी आपको एक छेद, जो होल दिखेंगे, वो किसकी वजह से दिखेंगे आपको, CO2 की रिलीज से, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई भी जो शुगर है, ठीक है, यानी कि कोई भी जो स्टार्च है, शुगर है, ठीक है, वो उसका जब एनोरेबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो जब उसका फर्मेंटेशन होगा तो क्या रिलीज होगा, C2H5OH एंड क्या होगा, CO2, ठीक है। तो हम इस CO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेड की जो मेकिंग में जो आपका यूज हो रहा है, वो कौन सा यूज हो रहा है, आपकी सैक्रोमाइसिस सर्विसी ईस्ट यूज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इस ईस्ट को क्या बोलते हैं, बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि किसकी मदद, किसकी बेकिंग में हेल्प करिए, ब्रेड की मेकिंग में हेल्प करिए। अगर मैं बात करूँ इडली एंड डोसा, इडली एंड डोसा में भी आपने देखा होगा होल थोड़े से छेद दिखे होंगे, तो वो किसकी मदद से होंगे, वो हो गए CO2 की रिलीज से, ठीक है। आपका जो C2H5OH है वो क्या है, वोलेटाइल है, वो तो हवा में उड़ जाती है, बचा क्या, CO2, ठीक है। अब हम बात करते हैं इडली एंड डोसा। इडली एंड डोसा किसकी मदद से बनेंगे, आपके ल्यूकोनोस्टिक एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, बैक्टीरिया की मदद से। अगर मैं बात करूँ टोडी, टोडी क्या है, जो साउथ इंडियन की एक फेमस ड्रिंक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो किसकी मदद से बनती है, ईस्ट की मदद से बनती है। जो पाम जो सैप है, ठीक है, पाम सैप से जो हमें जो मिलता है, उसका जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, जो भी ड्रिंक मिलती है, हम उसको क्या बोलते हैं, टोडी है। किसकी मदद से मिलेगी, ईस्ट की मदद से। अगर मैं बात करूँ चीज़, ठीक है, चीज़ भी आपके तीन टाइप के होंगे, ठीक है, एक के ऊपर जैसे फंगस लगा होगा, एक के ऊपर जो जब भी आपने जब टोम एंड जेरी शो देखा होगा, जब बड़े बड़े आपने छेद दिखे होंगे, तो वो किसको बोलते हैं, लार्ज स्विस चीज़, ठीक है, जिसके अंदर लार्ज बड़े बड़े छेद हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्विस चीज़। किसकी मदद से मिलेगा आपको, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया है, तो अपनी चीजें ध्यान से याद रखनी है, प्रोपाइनी बैक्टीरियम शारामनी, ठीक है। दूसरा जो चीज है रोकफोर्ट चीज, ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कौन सा, पेनिसिलियम रोकफोर्टी। और तीसरा जो तीसरा है वो है कैम्बर्ट चीज, और ये आपको कहां से मिलेगा, पेनिसिलियम कैम्बर्टी से मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपकी किसके अंदर है, माइक्रोब्स का यूज कहां पर, हाउस होल्ड के अंदर। आपने ये देखना है कि कहां पर कौन सा बैक्टीरिया या फिर ईस्ट यूज हो रही है, ठीक है। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल के अंदर हमें एप्लीकेशन कहां कहां देखनी है, फर्मेंटेड बीवरेजेस यानी कि शराब, ठीक है। और दूसरा है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के अंदर। फिर थर्ड है जो एप्लीकेशन देखनी है वो है केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, बीवरेजेस की, ठीक है। जो बीवरेजेस जो मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, वही जैसे ग्लूकोज है या फिर कोई भी जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ठीक है, उसका क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन वही है, फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो आपको क्या मिलेगा, C2H5OH+CO2। आपके पास जो ये जो अल्कोहल है आपका, ये क्या है, हम इसी की बात कर रहे हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बेवरेजेस है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप जो सोर्स ले रहे हो वो कौन सा ले रहे हो। अगर मैं सोर्स बार्ले मॉल्ट ले रही हूँ तो हमें क्या मिलेगी, बियर। फ्रूट जूसेस से आपको वाइन भी मिलेगी और क्या मिलेगी, ब्रांडी। लेकिन डिपेंड करता है अगर आपको उसको डिस्टिलेशन से बना रहे हो या फिर अनडिस्टिलेशन से, ठीक है।
ठीक है, वो उसका डिस्टिलेशन नहीं कर रहे हो, वो हम बाद में बात करेंगे। अगर मैं सोर्स फर्मेंटेड सीरियल्स ले लेती हूँ तो हम क्या बनाएंगे उससे, विस्की। अगर मैं मोलेसेस ले लेती हूँ तो हम क्या बनाएंगे, रम। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो बियर और जो वाइन है, ठीक है, जो बियर और वाइन उसमें एल्कोहल का कंटेंट बहुत कम होता है, कितना, 3-6% बियर के अंदर और वाइन के अंदर 90-12। ठीक है, तो ये किससे बनेगी, अनडिस्टिलेशन से। ठीक है, हम इसका डिस्टिलेशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो दो टाइप की आपके एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर वाइन और बियर आपका अनडिस्टिलेशन मेथड से आएगा, लेकिन जो आपका विस्की, ब्रेंडी और जो रम बच गया जिसके अंदर जो एल्कोहल कंटेंट वो ज्यादा होता है, ठीक है, वो किससे मिलकर बनेगा, वो डिस्टिलेशन मेथड से मिलकर बनेगा। ठीक है, जब भी हम इसका फर्मेंटेशन कराते विद द प्रेजेंस ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्विसेस, सैक्रोमाइसिस सर्विसेस बीवरेजेस बनाने के लिए भी यूज होती है, तो इसको हम बेकिंग के साथ साथ हम क्या बोलते हैं, बीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली जो कंटेंट होता है वो 13-15% भी होता है। अगर इसका एल्कोहल कंटेंट अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो वाइन और बियर है वो डिस्टिलेशन या फिर विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब विदाउट डिस्टिलेशन बनेगी, लेकिन जो ब्रांडी, विस्की और जो रम है जिनके अंदर एल्कोहल का कंटेंट ज्यादा होता है उसका हमें डिस्टिलेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन थी किसके अंदर, बीवरेजेस के अंदर। सेकंड अगर मैं बात करूं वो क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब है ऑपोजिटिव, बायोटिक का मतलब क्या है, लिविंग। तो ये जो अगेंस्ट जो लाइफ है वो किसकी बात कर रही है, माइक्रोब्स के लिए बात कर रही है। ठीक है, अगेंस्ट लाइफ माइक्रोब की बात करी है, या फिर प्रो लाइफ किसके रिगार्डिंग बात करें कि ह्यूमन बींग। तो सबसे पहले जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, एक्सीडेंटली जो डिस्कवर की थी, वो कौन सी थी, पेनिसिलियम। ठीक है, कैसे ये एक्सीडेंटली डिराइव की थी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है किसके ऊपर काम कर रहा था, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, जब उसने देखा कि यार पेट्री डिश के ऊपर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है और उसके ऊपर आपने ग्रो किया एगार जल पे, जो हम ग्रो करते हैं पेट्री डिश के अंदर, तो उसने थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया कि अब मैं कल इसको धोऊंगा। तो उसने क्या देखा कि उसने एक फंगस ऑब्जर्व किया कि यार एक फंगस लगी हुई है, लेकिन वो फंगस वहां पर नहीं है जहां पर बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फंगस ने कुछ ऐसा केमिकल रिलीज किया होगा जिससे कि बैक्टीरिया की डेथ हो गई होगी, और वो जो बैक्टीरिया की जो फंगस थी वो कौन सी थी, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है क्या बनाया, एक सबसे पहली एंटीबायोटिक उसने बनाई। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। अब देखो इसका जो फुल जो पोटेंशियल है वो किसने डिस्कवर किया था, अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरिन ने डिस्कवर किया था, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर ये दिया गया है कि जो नोबेल प्राइज है किस किस को मिला था, फ्लेमिंग को और दूसरा अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरिन, तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला था 1945 के अंदर, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और इससे बात करो कि बहुत ज्यादा जो एंटीबायोटिक्स है वो प्ले के अंदर भी यूज हुई ट्रीटमेंट के लिए, वूपिंग कफ जैसे जिसको काली खांसी भी बोलते हैं, डायप्थीरिया यानी कि गलघोटू, और जो लेप्रोजी यानी कि जो कुष्ठ रोग है। ठीक है, ये सारे के सारे जो डिजीज है इनको ट्रीट करने के लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक लेटर डिस्कवर हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो बहुत सारा ऑर्गेनिक एसिड मिले, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हुई किसकी मदद से, माइक्रोब की मदद से। तो आपने सीधा सा नाम याद रखना है कि जो सिट्रिक एसिड किसकी मदद से बना, एस्परजिलस नीगर, जो कि एक फंगस है। ठीक है, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो एक बैक्टीरिया है। ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम बोटाइलिकम, एक बैक्टीरिया। एंड लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है आपने, और सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जो एस्परजिलस नीगर है सिर्फ एक फंगस है और सारे के सारे क्या है, बैक्टीरिया। अब ये टेबल आपने, मैंने बहुत आसानी से आपके लिए बना दी, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, इसको आप और इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो लाइपेज, लाइपेज का जो सोर्स है वो क्या है, कैंडिडा लाइपोलाइटिका, और इसका काम क्या है, जितना भी जो ऑयल है, ठीक है, जो कपड़ों से जो ऑयल को रिमूव करने का काम, एज ए डिटर्जेंट करने का काम जो कौन करेगा, लाइपेज। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं पेक्टिनेज की, जो पेक्टिनेज है वो कहां से निकाला, एस्परजिलस नीगर, ये आपने सोर्स ध्यान में रखना है। प्रोटीज जो एंजाइम है वो कहां से निकाला, एस्परजिलस बेसिलस से। इन दोनों का काम क्या है, जो भी जो जूसेस होते हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल क्लीन करने का काम किसका है, प्रोएक्टिनेज और प्रोटीज का। अब बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज कहां से निकाला है, सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, और ये क्या है, क्लोटबस्टर, एक क्लोटबस्टर का काम करेगा। ठीक है, क्लोटबस्टर का मतलब क्या है, जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो क्लोट बन जाता है, ठीक है, तो उस क्लोट को रिमूव करने का काम, जो हार्ट अटैक जिससे आ सकता है, ठीक है, उसका काम किसकी मदद से रोका जाएगा, ठीक है, क्लोट को बस्ट किसकी वजह से किया जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोट बस्टर। ठीक है, सेकंड साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए का जो सोर्स है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, एक फंगस है, और इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। ठीक है,
जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी बॉडी रिजेक्ट ना कर दे, इम्यूनो सप्रेस करने का काम कौन करेगा, साइक्लोस्पोरिन ए। दूसरा है स्टेटिन, स्टेटिन का जो वो है सोर्स मोनोस्कस परप्यूरियस, एक ईस्टेटिक। इसका जो काम क्या है, यूज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, इट ऑल्सो इनहिबिट द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो ब्लड जो लोवरिंग कोलेस्ट्रॉल जो एजेंट है वो कौन है, आपका स्टेटिन। आपने इसमें से क्या ध्यान रखना है, आपने फंक्शन ध्यान में रखना है, और ये जो तीनों है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बाइक्रोबसिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी माइक्रोब यूज नहीं होता। इसके अंदर दो चीजें आती है, एक फिल्ट्रेशन और दूसरा सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या है, जितना भी जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको आप रिमूव कर लेते हो, और दूसरा बात क्या है, सेडिमेंटेशन के अंदर जितना भी जो हैवी है, यानी कि जो सोयल है, यानी कि जो ग्रिट है, सैंड है, वो क्या नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, आप जिसको क्या बोलते हो, मड प्लस स्टोन, यानी कि प्राइमरी स्लग। ठीक है, ठीक है, जो ऊपर जो फ्लोट करेगा आप उसको क्या बोलेंगे, सुपर नेटेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एफ्लुएंट। अभी इस प्राइमरी एफ्लुएंट को लिए हम जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगे माइक्रोब्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम अलग से दो हमारे पास चैम्बर होते हैं। जो फर्स्ट जो चैम्बर होगा, यानी कि जो टैंक होगा हमारा, उसके अंदर हम एयर डालेंगे। ठीक है, यानी कि वो एयरेशन टैंक होगा जिसके अंदर माइक्रोब ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर दिया, हमने एयर डाल दी, अब जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, फंगस के साथ थोड़ा सा एसोसिएशन बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम उसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर दे तो एक और ट्रीटमेंट होगा जिसको हम टर्शियरी ट्रीटमेंट बोलेंगे, जिसके अंदर हम क्लोरीन, ओजोन गैस और ये सारी की सारी चीजें डाल देंगे टू रिमूव द पेस्टिसाइड, या फिर डीडीटी डाल देंगे टू रिमूव द पेस्टिसाइड्स एंड डीडीटी। ठीक है, अब ये देखिए, जो आपका एक्टिवेटेड स्लज बच गया, इसके अंदर दो चीजें हो सकती है। ठीक है, दूसरा एज ए स्टार्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए इनोकुलम यूज कर सकते हैं फॉर द एरेशन टैंक, और दूसरी चीज क्या होगी, हम इसको लेके जाएंगे एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर, जिसके अंदर जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, इस जो फ्लो को, जो हमारे पास बैक्टीरिया का जो एसोसिएशन था, वो जो फिलामेंटस फंगस के साथ उसको डाइजेस्ट कर देगा, और जो गैसेस रिलीज होंगी, ठीक है, जैसे बायोगैस रिलीज होगी, हम उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका माइक्रोबसिन सीवेज ट्रीटमेंट। अब है माइक्रोबसिन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस का मतलब है जिसके अंदर CH4 50-70%, CO2 30-40%, एंड H2 गैस किसके लिए 10% होगा। देखिए, जब भी जो अपनी गाय और जो भैंस है, ठीक है, उनके अंदर रूमेन के अंदर मीथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, वो जो उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, जब जो उनका जो गोबर होगा, ठीक है, उसके अंदर मिथेनोजेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये मिथेनोजेंस क्या करेंगे, डाइजेशन का काम करेंगे। अगर मैं बात करूं, हम इसके अंदर क्या किया, एक हमने गड्ढा खोद लिया 10-15 feet डीप, इसके अंदर हमने डंग और वाटर, ठीक है, जो गाय का जो गोबर है वो मिलाया और पानी के अंदर उसका अच्छे से मिक्सचर बना लिया, और हम इसके अंदर बायोगैस प्लांट के अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, इसके अंदर डाइजेशन शुरू होगा, मिथेनोजन है वो क्या रिलीज करेंगे, गैस रिलीज करेंगे, इसका जो गैस कलेक्ट करने के लिए हमने ये होल्डर बना दिया। ठीक है, अब बाद में उसका गैस का हम अलग अलग जगह यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर यही था, ये बायोगैस प्लांट के अंदर हम माइक्रोब्स कैसे यूज करते हैं। अब है माइक्रोब्स यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं बात करूं ड्रैगन फ्लाई कहां पर फीड करती है, मस्किटो के ऊपर। बेसिलस थुरिंजिनेसिस का बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। हमने यूज देखा था कि बेसिलस थुरिंजिनेसिस का एक जीन होता है जिसको हम क्राई जीन बोलते हैं। ठीक है, ये खुद के अंदर तो इनएक्टिव रहता है, खुद के ऊपर कोई भी इसका हावी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर इसको कॉटन बुलफॉर्म खाएगा तो ये जो जीन है क्राई जीन, वो एक्टिव हो जाएगा ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच। ठीक है, और जो मिड गट होती है उसको क्या कर देगा, बिल्कुल उसके अंदर पोर्स बना देगा, लाइसिस हो जाएगी और जो बैक्टीरिया वो मर जाएगा। ठीक है, तो कॉटन की जो यील्ड है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द बेसिलस थुरिंजिनेसिस। और ये मार्केट के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं, ड्राइड पोर मिलता है। ठीक है, हम ड्राइड स्पोर मिलता है, पाउडर टाइप्स मिलता है, इसके अंदर वाटर का हमने घोल मिलाया और किसके अंदर छिड़क दिया, अपना ब्रासिका या फिर दूसरे भी फ्रूट ट्रीज है उसके ऊपर बिखेर दिया। ठीक है, जब भी वो दूसरी जो इंसेक्ट है वो इसको खाएंगे और वो मर जाएंगे। थर्ड जो एप्लीकेशन है ट्राइकोडर्मा कभी भी रूट्स के साथ खुद एसोसिएशन नहीं बनाती, लेकिन दूसरे माइक्रोब्स को भी अटैक करने नहीं देगी। फोर्थ है बक्यूलोवायरस एक वाइड रेंज होती है, जिसके अंदर जो जीनस हम यूज करते हैं वो क्या है, आपका एनपीवी है। ठीक है, न्यूक्लियो पोलियो पोलीहेड्रो वायरस। ठीक है, इसके अंदर क्या, ये इंसेक्ट
जो स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कि हर किसी को मार देगा, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, प्लांट बर्ड है उसके ऊपर ये अपना कहर नहीं बरसाएगा, ठीक है, इंसेक्ट एंड अदर एथ्रोपोड्स को ही खाएगा, दूसरी जो चीज़ है उनके ऊपर अपना इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। अब है माइक्रोसिन बायोफर्टिलाइजर। माइक्रोसिन बायोफर्टिलाइजर क्या है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपने, एक फ्री लिविंग और दूसरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखिए, जो माइक्रोब है, जो प्लांट है, वो नाइट्रोजन को ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जब तक वो NO3 नेगेटिव के फॉर्म के अंदर नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये जो अपना माइक्रोब्स होते हैं वो उनकी उसका जो कन्वर्जन में हेल्प करता है, जैसे कि जो प्लांट है नाइट्रस को इजीली ले ले। दो टाइप का होता है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग के अंदर क्या है, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पिरिलम। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी है, ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर नोस्टोक, एनाबिना एंड ओसिलोटेरिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिम्बायोटिक एसोसिएशन की, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर आपने दो ध्यान रखना है, राइजोबियम एंड फ्रेंकिया। जो राइबोसोम है वो एसोसिएशन बनाता है रूट नोड्यूल्स के अंदर, और जो फ्रेंकिया है एसोसिएशन बनाएगा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये सारे की सारे एग्जांपल हैं, आपने बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर सारी की एप्लीकेशन देख ली। माइक्रोब्स को आपने इतना ही देखना है, यहीं से क्वेश्चन आना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बड़ा मजेदार होगा, कम टाइम के अंदर आपकी सारी की सारी चीजें रिवाइज होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे हो जाए, सारी की सारी चीजें डिटेल में हम समझ ले, तो हमने आपके लिए शुरू किया है रैंक बूस्टिंग कोर्स, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।